Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here is a book, Literary Journeys. Let's start a new chapter today. And this is chapter number 8. And the name of the chapter is The Spider and the Fly. So let's move on to warming up. Animals have always inspired poets. आपको पता होगा कि जो एनिमल्स हैं वो पोएट्स को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं. सिंस एंशियंट टाइम्स फेमस पोएट्स हैव रिटन पोएम्स विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स इन देम. तो बहुत सारे पोएट्स ने ऐसे ऐसे पोएम्स लिखे जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया है. सच पोएम्स विच हैव अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फेबल्स. ऐसे पोएम्स को हम फेबल्स कहते हैं. यूजुअली सच पोएम्स टीच अ लेसन and have a moral. ऐसे जो poems हैं ये हमें lessons सिखाती हैं और इसमें एक moral ज़रूर होता है. Given below are name of famous poems about animals. Match them with their poets. तो this is your homework children. Do it yourself. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ poems के नेम दिए गए हैं और कुछ poets के नेम दिए गए हैं. You have to match them. So do it yourself. Now let's start the chapter. Let's read a story about a spider and a fly. तो चलिए एक story पढ़ते हैं spider और fly की, written in the form of a poem, जो कि एक poem के form में है. Will you walk up in my parlor? Said the spider to the fly. तो spider ने fly से क्या कहा कि क्या तुम मेरे parlor में आओगी. This is the prettiest little parlor that ever you did you spy. ये एक ऐसा पार्लर है जो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ऐसा तुमने कभी आज तक पार्लर नहीं देखा होगा. द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ विंडिंग स्टेयर एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर. तो मेरे जो पार्लर है वहाँ का जो रास्ता है वो कैसा है, उसके जो स्टेयर्स हैं वो विंडिंग स्टेयर्स हैं और मैं जब तुम यहाँ आओगी तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत सारी क्यूरियस थिंग्स हैं. ओह नो नो सेड द लिटिल फ्लाई टू आस्क मी इन वेन. तो जो लिटिल फ्लाई थी उसने कहा कि ओह नो नो मुझे नहीं आना तुम्हारे पार्लर में. तो अब जो तुमने मुझसे बेकार में ही पूछा मुझे तुम्हारे पार्लर में नहीं आना. फॉर हू गोस आप Your winding stair can never come down again. तो अब उस fly ने कहा कि जो भी person या जो भी insect तुम्हारे इन stairs पे इन सीढ़ियों पर चढ़ गया एक बार वो दोबारा वापस नहीं आया है. I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my bed, little bed? Said the spider to the fly. तो अब स्पाइडर ने फ्लाई से कहा कि आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी, तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी और तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तो चलो तुम जल्दी से आओ मेरे छोटे से बेड पे सो के देखो. देयर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन. अब स्पाइडर ने आगे बोला फ्लाई से कि मेरे जो बेडरूम है वहाँ पे जो कर्टन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं एंड जो शीट्स हैं जो बेडशीट है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन और थिन है, बहुत सॉफ्ट है. एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ व्हाइल आई विल स्नगली टक यू इन. और अगर तुम्हें आराम करने का मन है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से वहाँ आराम करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेड They never, never wake again who sleep upon your bed. तो अब लिटिल फ्लाई ने कहा कि ओ नो नो मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे बेड पे आराम नहीं करना है, क्योंकि मैंने सुना है आई हैव हर्ड दे नेवर नेवर वेक अगेन. जो लोग तुम्हारे बेड पे सो जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं उठते हैं जो तुम्हारे बेड पे सोते हैं. Said the cunning spider to the fly, dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have already felt for you? अब जो स्पाइडर है वो अब फिर से फ्लाई को अपनी बातों में उलझा रहा है. उसने बोला, उस चालाक स्पाइडर ने फ्लाई से बोला,
डियर फ्रेंड तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने बात को प्रूफ करने के लिए कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूं, मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, मैं सच में तुम्हारी केयर कर रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पे विश्वास हो जाए? आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ फॉर ऑल दैट इज नाइस. आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम विथ योर प्लीज टेक अ स्लाइस. तो अब जो है वापस स्पाइडर कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी पैंट्री है जहाँ बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, तुम मुझे आओ, वेलकम हो तुम मेरी पैंट्री में, और जो भी तुम्हें लेना है वो वहाँ से ले सकते हो, चाहे वो कोई स्लाइस ही क्यों ना हो. फिर फ्लाई ने क्या रिप्लाई दिया? ओ नो नो, सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी, आई हैव हर्ड What is in your pantry and I do not wish to see. तो अब जो है जो लिटिल फ्लाई, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे पैंट्री में नहीं आना है, तुम्हारी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो भी तुम्हारे पैंट्री में जाता है वो वापस दिखाई नहीं देता है. स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज. तो अब स्पाइडर ने कहा कि तुम बहुत ही प्यारे से एक क्रिएचर हो, तुम जो है बहुत ज़्यादा दयालु हो, वाइस हो, तुम बहुत मजाकिया हो. हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज. अब स्पाइडर ने कहा कि देखो तुम्हारे विंग्स कितने सुंदर हैं और तुम्हारी आईज कितनी प्यारी दिख रही हैं. आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर सेल्फ. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. तो अब जो है स्पाइडर फिर से कहता है, तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, तुम्हारे विंग्स इतने अच्छे हैं, मेरे पास क्या है, लुकिंग ग्लासेस है, मेरे पास कुछ चश्मे रखे हैं, कहाँ पे? मेरे पार्लर के शेल्फ पे, अलमीरा के ऊपर. और जैसे ही तुम मेरे पार्लर में एंटर करोगी, तुम वहाँ जाके उस चश्मे को लगा के अपने आप को वहीं जो है बी होल्ड कर दोगी, मीन्स वहीं रुक जाओगी, तुम आगे वहाँ से जाने की नहीं सोचोगी, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा वहाँ पे मेरे चश्मे पहन के. आई थैंक यू जेंटल सर, सी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से. आई एम बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल यू अनदर डे. सो अब जब फ्लाई ने क्या कहा कि थैंक यू, और उसने बोला स्पाइडर को कि आप बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो, आप सबका कितना ध्यान रखते हो, थैंक यू मुझको इतना मेरे बारे में सोचने के लिए, और मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आप चलो जो है, आप जो है गुड मॉर्निंग हो गई है, और आप जो है अब हम दूसरे दिन फिर से मिलेंगे. द स्पाइडर टर्न हिम राउंड अबाउट एंड वेंट इन टू हिज डेन. For when he knew that silly fly would soon come back again. So, अब स्पाइडर ने जब ये सारी बातें सुनी, फ्लाई की इतनी सारी बातें सुनने के बाद स्पाइडर ने क्या कहा कि वो अब जो है उल्टा घूमा, वो अपने घर में चला गया सोने के लिए, क्योंकि उसे पता था वो जो सिली फ्लाई है, वो जो बेवकूफ फ्लाई है, वो वापस आएगी उसके डेन तक. So he wore a stubble web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly. अब उसने क्या किया, अपने जो वेब था उसके कॉर्नर पे एक छोटी सी टेबल लगाई, वहाँ पे वो वेट कर रहा था उस फ्लाई का ताकि वो उसे खा सके. Then he came out of his door again and merrily did sing, Come hitter, pretty fly with a pearl and silver wing. So, अब जो है ये इतना सारा कुछ करने के बाद वो स्पाइडर वापस आया और गाना गाने लगा. और क्या गाया उसने? कम हिटर हिटर प्रिटी फ्लाई. तो जल्दी से आइए यहाँ पे प्रिटी फ्लाई, जिसके बहुत सुंदर से पर्ल मोतियों जैसे सिल्वर पंख हैं. योर रॉब्स आर ग्रीन एंड पर्पल, देयर इज अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड. तुम्हारे जो रॉब्स हैं, तुम्हारे जो कपड़े हैं, वो कैसे हैं? ग्रीन और पर्पल कलर के हैं, और तुम्हारे हेड पे क्या है? एक क्रेस्ट है, एक ताज है. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. तो अब जो है स्पाइडर जो है फ्लाई की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, और उसने बोला कि
कि तुम्हारी आंखें जो है कैसी हैं, डायमंड की तरह चमकीली हैं, लेकिन मेरी कैसी हैं, बिल्कुल भी डल हैं, लेड की तरह, पेंसिल की नोक की तरह। अलास हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई हियरिंग हिज विली फ्लैटरिंग वर्ड्स केम स्लोली फ्लिटिंग बाय। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद, अपनी इतनी बड़ाई सुनने के बाद, वो जो फ्लाई थी, वो जो बेवकूफ़ फ्लाई थी, वो वापस आई उसके डेन के पास, स्पाइडर वेब के पास। हियरिंग हिज विली फ्लैटरी वर्ड्स, उसके जो भी चिकनी चुपड़ी बातें थी उसे सुनने के बाद, वो धीरे धीरे उस स्पाइडर के पास आई। विद बजिंग विंग्स शी हंग अलॉफ देन नियर एंड नियर यू। अपने विंग्स को बस करते हुए उसके वेब के और पास वो चली गई। अप जंप द कनिंग स्पाइडर एंड फ्यूज हेल्ड हर फास्ट। तो जैसे ही उसने देखा स्पाइडर ने कि ये मक्खी मेरे वेब के पास आ गई है, तो वैसे ही उस वो जो स्पाइडर था, जो कनिंग स्पाइडर था, लालची जो स्पाइडर था, वो जंप उसने किया और उसने फटाक से उस मक्खी को पकड़ लिया। ही ड्रैग्ड हर अप हिज विंडिंग स्टेयर। अब उसने उस मक्खी को अपने स्टेयर्स पे चढ़ाया, इनटू हिज डिस्मल डेन, और अपने घर तक ले गया। विद इन हिज लिटिल पार्लर बट शी नेवर केम आउट अगेन। अब वो जो है उस मक्खी को अपने पार्लर में ले गया और वहां से वो कभी वापस नहीं आई। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन, अब जो है पोएट आपको क्या बता रहे हैं, अब पोएट आपसे कुछ कह रहे हैं कि नाउ लिटिल डियर चिल्ड्रन हु मे दिस स्टोरी रीड। सो कौन पढ़ेगा इस स्टोरी को? टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे यू विल नेवर गेट हीड। तो पोएट कहना चाहते हैं कि किसी के ऐसी बातें सुन के, किसी के फ्लैटरिंग वर्ड सुन के, कहीं कभी आप उसके जाल में मत फंस जाना। अपॉन एन एविल काउंसलर क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आई। किसी भी इंसान की एविल चीज़ों पे, एविल बातों पे मत आना, अपने कान नाक आँख सब खुले रखना। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल और द स्पाइडर एंड द फ्लाई। और इस कहानी से, स्पाइडर और फ्लाई की कहानी से, तुम्हें ये सीख लेनी है कि किसी की बातों में यूं ही नहीं आना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। एंड द पोएट इज मैरी हाविट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग। सो यर द फर्स्ट वर्ड इज वेरी विच मीन्स टायर्ड। Soaring means to ride very fast. Pantry is a room or a closet where food or groceries are kept. Gauzy means thin and translucent. Behold means see or observe. Subtle means not very strong or bright. Hither means here. Flattering means making somebody sound more attractive than he or she really is. Willy means clever at getting what you want. Crested head means having a comb or tuft or feathers over the head. And flitting means to fly or move quickly. So these are the meanings you have to learn. Now let's move on to book exercise. And the first exercise is comprehension, multiple choice questions. First question is, how does a fly react to the spider in the beginning? She doesn't trust him. She thinks he is nice. She thinks he is truthful. She ignores him. So, in the first, she doesn't trust him. Second question, what happens to creatures who sleep on the spider's bed? So, they have a nice sleep, they dream about the spider, they never ever wake again, or they have to pay money to sleep here. So, they never ever wake again. So, these are the answers. Do the rest of the questions yourself. So, these are the questions, do it yourself.